लालू को न जाने जिसको जिसको गाली देते थे उसकी गोद में बैठे, पता चला शिक्षा मंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, खुद मुख्यमंत्री जेल में, तो कैसे जनता विश्वास करेगी कि एक लाइन में बोलते थे कि सोनिया को गिरफ्तार करो, सारी चीजें आ जाएंगी। सोनिया गांधी वही बैठ गई, उनकी बीवी के साथ चाय नाश्ता मौज कर रही थी, सी बातें देखा। आज का दौर यह आ गया कि जब तक वो आरोप साबित ना हो तब तक ये बना रहना चाहते हैं। देखिए, ये हम कह सकते हैं कि राजनीति का जितना गिरा हुआ अपन हम देख सकते हैं, ये आज की राजनीति में दिख रहा है। और स्तर जैसे जैसे आप देखेंगे, कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री आप बताइए, चाहे जयललिता रहे हो, चाहे लालू रहे हों, चाहे हेमंत सोरेन ही ले लीजिए, इवन आप नॉर्मल देखेंगे कि उप मुख्यमंत्री जो उमा भारती जी थी, उन पर बस नॉर्मल आरोप लगा था कि बंगाल में जाके वो दलित वो वक्फ बोर्ड की जमीन थी, वहाँ पे उन्होंने उस तरीके का प्रचार कर दिया, उसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर आया नैतिकता का दौर कि चलो ठीक है, जब एक बार चार्जशीट दायर हो जाएगी तो आदमी इस्तीफा दे देगा। आज का दौर यह आएगा कि जब तक वो आरोप साबित ना हो तब तक ये बना रहना चाहते हैं, जबकि जेल बुक का कानून है कि जेल से आप सरकार नहीं चला सकते। हाँ, मुख्यमंत्री को पावर है कि वो अलग जेल उस तरीके से अलॉट कर सकते हैं, वहाँ पे वो एलजी उस पर देख रेख करना चाहिए, लेकिन जो स्तर गिरता जा रहा है, जितना स्तर गिरता जा रहा है, ऐसे लोगों को तो जनता को देखना चाहिए कि दोबारा कभी मौका देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसी आंदोलन के ऊपर थे कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, जन लोकपाल लाएंगे, सारी चीजें, वो उसी मन से शीला दीक्षित को, लालू को, न जाने जिसको जिसको गाली देते तो उसकी गोद में बैठे। और आज हद ये है कि जबरदस्ती की चीज, जब तक कोई हमें देखिए, दो चीज हो रही है, ये चाह रहे हैं कि हमें बीजेपी हटाए, फिर हम वो माहौल बना के जाएं कि हमें सरकार बर्खास्त कर दी गई, बर्खास्त कर दी गई, इसलिए जा रहे हैं। और बीजेपी देख रही है कि खुद जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ताकि हमारे पे कोई दोष ना है, दोनों मौज काट रहे हैं, जबकि इनको तुरंत सरकार हटा देना चाहिए, या फिर एलजी को बोलना चाहिए कि आपकी सत्ता की सरकार है, दूसरे को आप मौका दीजिए। जिसपे ऐसे एक बयान खुद दिया करते थे कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चोर है, भ्रष्टाचारी है, लिस्ट लेकर घुमा करते थे, और आज साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको बचाने के लिए सड़क पर भी जाम कर रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ट्विटरबाजी कर रहे हैं कि केजरीवाल साफ छवि के हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है, ये क्या दोहरी चरित्र नजर नहीं आते? सर, सिंपल आप देखेंगे कि एक लाइन में बोलते थे कि सोनिया को गिरफ्तार करो, सारी चीजें आ जाएंगी। सोनिया गांधी वही बैठ गई, उनकी बीवी के साथ चाय नाश्ता मौज कर रही थी, आपस में चल रही थी। तो ये अस्तर, मैंने कहा ना कि अस्तर ऐसा गिरता हुआ चला जा रहा है कि किस किस पे आदमी भरोसा करे, कि अन्ना जी आए थे, अन्ना जी को लोग के लिए गए थे, लेकिन ये उस तरीके से गद्दी पे बैठे और आज अटकी हो रखी जिसकी कि वो हटना नहीं चाह रहे, और उसको क्या कह सकते हैं कि दिवालियापन कहें, जाहिलता कहें, लाचारी कहें, जो भी कह सकते हैं, राजनीति की हर तरफ की वही आरोप लगाते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है प्रकरण मोदी जी के इशारे पर हुआ है, क्योंकि विपक्ष के बहुत बड़े चेहरे बन चुके हैं, मतलब पीएम फेस अपने आप को देखते हैं, जनता देखती है उनको पीएम फेस? नहीं, मैं तो नहीं देखता, बाकी जनता जो जिससे वो मिलते हो, अगर हो सकता है उनको देखती हो, उनका अधिकार है। सिंपल आप समझिए कि पीएम के चेहरे कभी राजनाथ सिंह भी रहे, कभी गडकरी जी भी रहे, नीतीश कुमार भी रहे, राहुल गांधी भी हैं, इवन उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी रहे, तो वो उस तरीके से लोग दिखे हैं कि तीन बार चार बार अपने भी मुख्यमंत्री बने, उस तरीके से कार्यकाल चलाए। इन पे क्या करा, पता चला शिक्षा मंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, खुद मुख्यमंत्री जेल में, तो कैसे जनता विश्वास करेगी? आप एक स्टेट, वो भी आधे मुख्यमंत्री, पूरे मुख्यमंत्री है भी नहीं, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो हम मानते चलो एक अच्छा राज्य पावर में, लेकिन आधे मुख्यमंत्री जब आप एक स्टेट को नहीं चला पा रहे हैं और आप पीएम का सपना देख रहे हैं, तो ये तो बस हसीन सपने हैं। क्या टक्कर दे पाएंगे दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा में उनके खिलाफ? लोकसभा में तो कोई टक्कर नहीं है, सातों पर सात बीजेपी। हाँ, फिलहाल, क्योंकि दो चीज होती है कि एक आदमी चाहता है कि हम पक्ष को दे या विपक्ष को दे, लेकिन विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी है, तो लोकसभा में असर नहीं करेगा इसका? नहीं, क्योंकि हमेशा विधानसभा और राज्यसभा का वो लोकसभा का मुद्दे सारे अलग होते हैं, क्योंकि हमें बॉर्डर की चीजें देखनी है, विदेश नीति के बाकी उस तरीके से देखना, तो उस लेवल पे कहीं इम्पैक्ट नहीं आएगा, लोकसभा में तो नहीं आएगा, विधानसभा में बाकी चीजें हैं। विधानसभा में बीजेपी को बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि बीजेपी भी डिपेंड होती है कि मोदी जी की रैली हो गई तो हम जीत गए, ग्राउंड लेवल पे वो भी गली गली नहीं जाते, तो विधानसभा में उनको भी बहुत काम करना है, लेकिन लोकसभा की जो बात है, सातों सीट बीजेपी के पास।